नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी कटारिया है। मेरे हस्बैंड और मैं दोनों हम क्लिनिक रन करते हैं। तो बहुत से हमने रिजल्ट दिए, जैसे सर उस बच्चे का जिक्र कर रहे थे, वो हमारे ही क्लिनिक का बच्चा था, मतलब डॉक्टर साहब का पेशेंट था वो। और अब मैं आपको जो बताऊंगी ना, वो मतलब आप ये कह रहे हो कि बैटन्स डिजीज या बैटन्स सिंड्रोम बोलते हैं, ये होता है छोटे बच्चों को, और इतनी रेयर बीमारी है ये कि 10 लाख बच्चों में से एक को होता है। तो ये होता है ना कि ये कहते हैं कि वो बदनसीब ही हो गया बच्चा एक, कि 10 लाख में से एक बच्चे को, मतलब इंडिया में आप ये लगा लो करीबन होगा 200-250 रिपोर्टेड केस हैं अभी तक। ऐसी डिजीज है, और इसमें क्या होता है कि बच्चा जो मेरे पेशेंट है 4 साल की गुड़ी है, खांसी के पेशेंट है वो मेरे, और उस बच्चे की वीडियो डॉक्टर साहब ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रखी थी, तो वो देख के वो आई थी मेरे क्लिनिक पे। तो वो बोली थी पैसा उनके लिए कोई इश्यू नहीं था, बहुत अच्छे फैमिली से हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। बोले कि मैम हमें पैसे का इश्यू नहीं है, बट हमें ये आप गारंटी दे दीजिए कि हमारे बच्चे पे ये काम करेगा। हम गारंटी नहीं दे सकते, जैसे सर ने बोला ना कि हम दावा नहीं कर सकते। और ये ऐसी बीमारी है कि मैंने जब पहली बार उसकी रिपोर्ट्स देखी तो मुझे उसके बारे में पढ़ना पड़ा, मतलब इतनी रेयर बीमारी है ये न्यूरोलॉजिकल। तो मैंने कहा कि सब देखो मैं दावा नहीं कर सकती, और आप भी कोई चीज देख के ही हमारे पास आए हैं, ऐसे तो नहीं आए। बोले हाँ जी। बोले जी हमारे बच्चे को 1% भी फर्क पड़ गया ना तो भी हम सोचते हैं हमारे पैसे पूरे हो गए। मैंने कहा ठीक है सर। तो वो किट लेके गए हमसे, 6ठे दिन उनकी वाइफ का फोन आया मेरे पास। बेसिकली मैं बीमारी बता दूं वो क्या होती है, धीरे 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 बॉडी खत्म होने लग जाती है उसमें। अब वो बच्चा जो था, सबसे पहले बोलने में दिक्कत हुई उस गुड़िया को, चलने में दिक्कत होगी उसको, अच्छा दिखने में प्रॉब्लम होने लगी, और मतलब सारा दिन वो साइकोलॉजिकल भी आता है उसमें। क्या होता है कि ब्रेन सेल जो होती है, लिपिड बोलते हैं, फैट बोलते हैं, उसको नॉर्मली हमारा जो ब्रेन है, सेल्स है, वो खत्म करती रहती है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक तरह से, उसको खत्म करती रहती है। लेकिन उस बैटन्स में क्या होता है कि वो खत्म नहीं हो पाता है, तो वो वहां जमने लग जाएगा, तो वो धीरे धीरे वो सारी चीजें जो है वो खत्म होने लग जाएगी, न्यूरॉन्स लेवल पे हो जाएगी, बहुत स्मॉल यूनिट। तो फिर 6ठे दिन उनकी मदर का मेरे पास फोन आया। मैंने कहा कि हाँ जी मैम बोलो। तो मुझे नहीं था, देखो 6ठे दिन तो हम कह ही नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। तो बोली कि मैम ना गुड़िया जो है वो खुश रहने लगी हमारी। देखो कि पैसा है सब कुछ है, और तीसरी पीढ़ी में लड़की हुई है उनके, 3 पीढ़ी में लड़की नहीं थी, और 2 भाई है 1 लड़की है, आप ये सोचो कितना बड़ा वो है उनके लिए। तो बोली कि जी हमारी गुड़िया है ना, मेरे को इतना वो है, मैं आपको इतना थैंक यू बोलूंगी कि मेरे को पता है मेरी बच्ची नहीं बचेगी, नहीं बचेगी वो, ये बीमारी क्योरेबल नहीं है, इंडिया में तो दवाई नहीं है उसकी, आप ये सोचो। तो बोले कि ना क्योरेबल नहीं है मैम, मुझे पता है, लेकिन मेरी बच्ची जाने से पहले अगर खुश रह रही है वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। बोले कि माँ हूं मैं, मतलब बोले कि मेरे को वो खुद भी डिस्टर्ब है, देखो कोई भी माँ हो सकती है। बोले कि मेरे को 2 डिफरेंस लगे मेरी बेटी में, कि खुश रहने लगी, और एक चलने से डरती थी वो गुड़िया, बोली 6ठे दिन में है ना चलने से डर नहीं लगा उसको, इतना रेयर मेरे ख्याल से ई वायटोरियम का मैं बहुत ही कोई रेयर ये बता सकता कि इतना रेयर कोई केस था, और उसमें 6ठे दिन में खुद उसकी मदर मेरे को फोन कर रही है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट, आप खुद भी यूज करिए, और सबसे जरूरी पहले आप खुद एक्सपीरियंस करिए, आपको चाहे महीना लग जाए। अब मैं कितने शॉर्ट के साथ कह रही हूँ आपको, इतनी बड़ी बात है कि क्या पता 4 लोगों को डेमो की भी जरूरत नहीं है, बहुत रेयर बैटन्स डिजीज, आप सर्च कर लेना क्या है, ठीक है। तो इतना माइन्यूट लेवल पे जाके अगर ये प्रोडक्ट काम कर रहा है ना, तो ये बीपी शुगर ये तो क्योरेबल डिजीज है, हम डाइट कंट्रोल करके भी कर सकते हैं, और वो सर वाली बात है कि करे कौन, वो बात है कि करे कौन। इसलिए थैंक यू वेरी मच, और यूज करिए सभी आप।